हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नुपुर, आई लव गार्डनिंग से। और आज मैं आपके लेके आई हूं फ्रेंड्स जर्बेरा डेज़ी का प्लांट। देखिए फ्रेंड्स, इसके फ्लावर एकदम डेज़ी की तरह ही होते हैं। डेज़ी का जो फ्लावर होता है वो थोड़ा छोटा होता है और जर्बेरा का जो फ्लावर होता है वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है। ये प्लांट बहुत ही ईजी टू केयर है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। इसकी फ्लावरिंग जो है वो काफ़ी लंबे समय तक रहती भी है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आज इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी कि जर्बेरा जो है वो एक इंडोर आउटडोर प्लांट है। आप चाहें तो इसे इंडोर भी रख सकते हैं और चाहें तो आप इसे आउटडोर भी रख सकते हैं। बट ये एक सनलाइट का प्लांट है, बट इसे बहुत ही सनलाइट नहीं पसंद होती है। जैसे कि आप इसे मॉर्निंग और इवनिंग की सनलाइट दें, विंटर में भी आप इसे मॉर्निंग और इवनिंग की सनलाइट दें, या 3 से 4 घंटे की मैक्सिमम इसे सनलाइट चाहिए होती है, वो भी हल्की हल्की। अगर आप यहाँ उससे ज़्यादा तेज़ थोड़ी सनलाइट आती है, धूप तेज़ पड़ती है, तो आप इसे शेड में रखें। अदरवाइज़ जब इसमें तेज़ धूप पड़ती है तो इसकी लीव्स एकदम जल जाती हैं फ्रेंड्स। और इसे थोड़ी धूप ज़रूर चाहिए होती है, थोड़ी सनलाइट ज़रूर चाहिए होती है, क्योंकि अगर आप इसे बहुत कम सनलाइट देंगे तो केवल ग्रीन ग्रीन बढ़ता है। इसमें इस तरह से फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होती है, बस ग्रीन ग्रीन बढ़ता जाता है। तो आप इसे थोड़ी सनलाइट ज़रूर दें। और इंडोर इसे किस तरह से रखा जाता है, मैं आपको इसमें अलग से इसके लिए बताऊंगी टिप्स कि किस तरह से आप इसे इंडोर रख सकते हैं। बट उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देना चाहूँगी। जैसे कि फ्रेंड्स, आप इसके लिए सॉइल कैसी तैयार करें। इसको थोड़ी सैंडी सी, थोड़ी सॉफ्ट सी सॉइल पसंद होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड सॉइल इसके लिए अच्छी नहीं रहती है। तो इसके लिए अगर आप सॉइल बना रहे हैं तो उसमें जैसे अक्सर लोग यूज़ करते हैं पत्थर या कंकड़, वो नहीं यूज़ करना चाहिए। मैं कंकड़ या पत्थर यूज़ नहीं करती अपनी सॉइल बनाने के लिए। तो आप इसके लिए 2 पार्ट सैंड लें, 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट लें या नॉर्मल कंपोस्ट लें, और 1 पार्ट आप नॉर्मल गार्डन सॉइल इसमें मिक्स करें। उसमें बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आप वर्म जैसे आप सैंड लेते हैं तो उसकी जगह आप 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट इसमें जो कोकोपीट आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, सॉइल को आप इस तरह से रखें कि वो जैसे वेल ड्रेन्ड रहे आपका, इसमें पानी भरना नहीं चाहिए, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और इसमें वाटरिंग के लिए आप इसमें हल्की नम रखें हमेशा सॉइल। अगर ये सूख जाता है तो ये बहुत जल्दी जो है ये ख़राब हो जाता है। और एक बात का और ध्यान रखें वाटरिंग में फ्रेंड्स, इसमें किसके लीव्स पे और फ्लावर पे आप बिल्कुल भी पानी ना डालें, क्योंकि ये इसके लीव्स पे या फ्लावर पे पानी डालते हैं तो ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब होता है। और फ्रेंड्स, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो आप इसमें पानी तभी डालें जब इसकी सॉइल ऊपर से हल्की हल्की सूखने लगे, अदरवाइज़ आप इसमें पानी ना डालें। इस प्लांट में प्रोपेगेशन जो है फ्रेंड्स, वो बाय सीड भी होती है और बाय डिवीज़न भी होती है। डिवीज़न का प्रोसेस मैं आपको आगे बताती हूँ। अगर आप इसमें बाय सीड बोल रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखें कि इसके सीड को है आपको इंडोर उसमें स्प्राउट्स निकालने पड़ेंगे। आप जब भी बोएं तो आप गमले को अंदर रखें, उसमें सीड डालें और हल्की सी लेयर जो है वो मिट्टी की लगा के और उसे रख दें। और जब उसमें अंकुर थोड़े छोटे निकल आएँ तब आप उसे बाहर रख दें, और जब वो थोड़े बड़े हो जाएं तो आप उन्हें दूसरे पॉट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इसमें जो है इसकी रूट्स डैमेज ना हो, कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है मतलब रूट अगर इसकी डैमेज हो जाती है तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है प्लांट। बाय डिवीज़न इसे ग्रो करना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता है, बट इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि प्लांट को बाय डिवीज़न कैसे ग्रो करते हैं। बट मैं अभी आपको ऐसे ही हल्का सा बता देती हूँ। इसमें एक प्लांट को आप जिस भी प्लांट का डिवीज़न से ग्रो करना है उस प्लांट को निकालते हैं उसकी रूट्स के साथ, और उसे इस तरह से कट करते हैं रूट्स के साथ कि उसकी रूट भी साथ में रहे और आपका एक दोनों प्लांट में आपकी रूट जो है रहे, थोड़ी थोड़ी रूट रहे, और उससे 2 प्लांट इस तरह से तैयार किए जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, ये देखिए, ये दोनों प्लांट जो हैं ये एक ही प्लांट था, इसको मैंने बाय डिवीज़न से अलग किया है। डिवीज़न से एक फ़ायदा होता है प्लांट में कि आपके जो कलर हैं, जो आप खास कलर अपने पास रखना चाहते हैं, जैसे कि ये कलर मुझे बहुत पसंद है, तो आप उस कलर के पौधे तैयार कर सकते हैं। आप सीड डालते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपको कितने कलर के पौधे मिलेंगे, बट बाय डिवीज़न आप वो कलर रख सकते हैं जो आपको पसंद है। तो इस प्रोसेस को बाय डिवीज़न कहा जाता है।
इसके अलावा फ्रेंड्स, जर्बेरा के प्लांट में फर्टिलाइज़र जो है, इसको काफ़ी अच्छा प्लांट है, या फर्टिलाइज़र इसे काफ़ी अच्छे से चाहिए होती है, तो आप हर 15 दिन में इसे NPK दें और हर 30 दिन में आप इसे कंपोस्ट दें, तो ये अच्छे से ग्रो करता है। और अगर आप फ्रेंड्स जर्बेरा के प्लांट को इंडोर रखना चाहते हैं, आप इसे इंडोर रख सकते हैं, ये इंडोर भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाता है, तो एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सनलाइट आए, हल्की हल्की सनलाइट आए, जैसे कि विंडो के पास में या डोर के पास में, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी सनलाइट आती रहे। या फिर अगर आपके यहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल सनलाइट नहीं आती, तो आप उसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपकी लाइट्स अच्छी हों, और आप उन लाइट्स को परमानेंटली जला के रखें 24 आवर्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अगर आप इसे इंडोर रख रहे हैं, तो एक बात का और ख्याल ध्यान रखें कि आप इसमें चाहे गर्मी हो या सर्दी, आप पानी इसमें तभी डालें जब इसकी ऊपर की सॉइल हल्की हल्की सूख जाए, क्योंकि अगर आप इसे इंडोर रख रहे हैं तो ये बहुत जल्दी जो है इसमें पानी की ज़्यादा होने की वजह से इसमें रूट में प्रॉब्लम होने लगती है। और फ्रेंड्स, इंडोर में भी आप इस बात का ध्यान रखें कि इसकी लीव्स पे, फ्लावर पे जैसे पानी का स्प्रे होता है, वो ना करें। जर्बेरा के प्लांट को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता, बहुत जल्दी इसकी लीव्स ख़राब होने लगती हैं इस वजह से। और जैसे आप बाहर जर्बेरा के प्लांट को फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, उसी तरह से आप अंदर भी इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें एक बात का और ध्यान रखें कि जिन डालियों पर फूल खिल चुके हैं, जैसे कि देखिए ये मुरझाया हुआ फूल है, तो इसको कट करके आप निकाल दें, चाहे आप इंडोर रखें, या जो पत्तियां जैसे ख़राब हो गई हैं तो उनको हल्का हल्का निकालते रहें, तो ये काफ़ी अच्छे से और हेल्थी ग्रो करता है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, जर्बेरा के प्लांट में पेस्ट और डिजीज़ का अटैक थोड़ा कम ही होता है। इसमें ओवर वाटरिंग की वजह से एक तो रूट रॉट की प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती है, और स्पाइडर माइट्स और एफिड्स का अटैक इसमें रहता है, तो उसके लिए आप नीम ऑयल या कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, ईजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और ईजीली ये जो है माइट्स और एफिड्स जो है रिमूव हो जाते हैं प्लांट से। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी जानकारी जर्बेरा के प्लांट के बारे में। ये काफ़ी सारे कलर में पाए जाते हैं और अच्छे से फ्लावरिंग भी होती है इसमें, तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर लगाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, और अगर आप कोई और जानकारी चाहते हो प्लांट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो इसी तरह लगातार देखना चाहते हैं, तो बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।